गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ लेसन नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टू रिप्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। हम पेरेंट्स के थ्रू जो इंडिविजुअल प्रोडक्शन होता है, पेरेंट्स के थ्रू जो इंडिविजुअली प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, और प्लांट्स जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। ऐसे बहुत सारे रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं प्लांट्स के, जो कि हम इस चैप्टर में लर्न मीन्स सीखेंगे। सो 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्लास 6, यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ट्राई टू लिस्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। मोस्ट ऑफ प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। आपने प्लांट्स के काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में आपको पता होगा, जो फ्लावरिंग पार्ट होता है। सो हमें उसे लिस्ट आउट करना है और उसके जो फंक्शंस है वो हमें नोट करने हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है उसमें रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। After a certain period of growth, most plants bear flowers. You may have seen in the mango trees flowering in spring. It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. जो juicy fruit है जैसे कि हम summer में enjoy करते हैं। We eat the fruits and usually discard the seeds. Seeds germinate and form new plants. Seeds जो है वो summer में हम जो fruits खाते हैं वो सीड्स जो है वो ऐसे फॉल आउट करते हैं प्लांट्स में से और वो जर्मिनेट करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स, अ फंक्शन क्या है फ्लावर का प्लांट में। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। देर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। देर दीज आर कैटेगरीज इंटू टू टाइप्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स जो है वो राइज करते हैं न्यू प्लांट्स को विदाउट सीड्स, बिना सीड्स के। वेयर इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स। सेक्सुअल अगर प्लांट्स में कहा जाए तो रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स में वो सीड्स के थ्रू होता है। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स जो है वो बिना सीड्स के प्रोड्यूस होते हैं। सो वेजिटेशन प्रोपेगेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के पार्ट से होता है, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 134। Now you must have seen flower buds developing into flowers. Apart from flower buds, there are buds in axil to the point of attachment to the leaf at the node of leaves which develop into shoots. Leaves jo hai wo shoots mein develop hote. These buds are called vegetative buds, aur us buds ko hum kehte hain vegetative buds. A bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present, जिसमे immature overlapping leaves जो है वो present होती हैं। Vegetative buds can also give rise to new plants, और vegetative buds जो है वो new plants को rise करते हैं, new plants जो है वो उगाते हैं। Now you can see here potato plants sprouting from an eye. Likewise you can also grow ginger, turmeric, briar, phylum. ये जो है वो sprout has buds and margins of leaves. इन अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट, मॉइस्ट के वजह से जिसके रूट्स हैं जो प्लांट है वो ऐसे राइज आउट हो जाते हैं। सो सॉइल ईच बर्ड कैन राइज अ न्यू प्लांट। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया। डहलिया आर एग्जाम्पल प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स वैन देयर पार्ट्स गेट डिटैच, जब उसके पार्ट्स जो है वो डिटैच होते हैं। Now this is a page number 135. Leaf of bryophyllum with buds in the margin from the main plant of body. Each detached part can grow into new part. हर detached part जो है वो new part new plant में grow करता है। Plants produced by vegetative propagation takes less time to grow and bear flowers and fruits there earlier than those produced from seeds. और वो flowers और fruits जो होते हैं वो seeds में produce करते हैं। The new plants are exact copies of their पेरेंट प्लांट। न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो पूरी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट की।
as they are produced from a single parent. Later in this chapter you will learn that plants produced by sexual reproduction have characteristics of both the parents. Plants produce seeds as a result of sexual reproduction. Plants जो है वो seeds reproduce करते हैं sexual reproduction के through. Budding. You have already learned about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscopic. हम microscopic के through ही उसे देख सकते हैं yeast को. These grow and multiply every few hours और वो multiply होते हैं हर hours में वो multiply होके बढ़ते जाते हैं. If sufficient nutrients are made available to them, अगर उसे properly nutrition मिला उसमें अवेलेबल होगा तो रिमेंबर दैट यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. यीस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. लेट अस हाउ डू दे रिप्रोड्यूस. अब वो रिप्रोड्यूस कैसे होता है. सबसे पहले ये यीस्ट सेल है. डेवलपिंग बर्ड में जब वो होता है तो वैसा होता है. न्यू बर्ड जब उसमें आता है तो वैसा. और चेन ऑफ बर्ड्स तो वो इस टाइप से धीरे धीरे बढ़ता जाता है. Now the small bulb like projection coming out from the yeast is called a bud. The bud gradually grows and get detached from the parent. Yes. From the parent and cell forms a new yeast cell. The new yeast cell grows, matures and produces more yeast cells. Sometimes another bud arises from the bud forming a chain of buds. और धीरे धीरे buds की chain बन जाती है. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. अगर इसमें ज़्यादा ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली होती जाती है तो नंबर ऑफ यीस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है कम टाइम में. ना फ्रेगमेंटेशन. यू माइट हैव सीन स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स. पॉन्ड्स में आपने स्लीमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे. इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज दीज आर कॉल्ड एल्गी और हम उसे एल्गी भी कहते हैं. हियर इज़ द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 136. Water and nutrients are available algae and multiply rapidly by fragmentation. Fragmentation के through वो multiply होके an alga breaks up into two or more fragments. Two or more fragments में वो breakup हो जाता है. These fragments or pieces grow into new individual. और ये ऐसे lengthy होके फिर break करके फिर new patch बनाता है. This process continues and they cover large area in short period of time. और ये process जो है वो continue होती जाती है और large area वो cover कर दे. Spore formation. In chapter 1, you have learned that fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. Air में जो present होते हैं spores उससे वो fungi जो है वो grow करती है. Repeat activity 1.2. Observe the spores in the cotton like mesh on the bread. When spores are released, they keep floating in the air. और वो air में float करने लगता है. ये fungus जो होती है वो. Reproduction through some spore formation. Air as they are very light, they can cover long distance. For long distance को cover करते हैं. Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by hard protective coat. वो hard protective coat से covered होते हैं. To withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. So they can survive for a long time. Under favorable conditions, a spore germinates and develops into a new individual plant such as moss, ferns. Also reproduced by means of spores. Now sexual reproduction. You have learned the earlier structure of a flower. You know that the flowers are the reproductive parts of a plant. Stamens are the male productive part and pistils is the female reproductive part. Stamens जो है वो male reproductive part होता है. Pistil जो है female reproductive part है. Now this is activity 12.4. Take a mustard, China rose or petunia flower and separate its reproductive parts. Study the various parts of the stamen and pistil. Flowers which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flowers. Unisexual flowers होते हैं which contain both stamens and pistils are called bisexual flowers. Corn, papaya, cucumber produce unisexual flowers whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers both. Now this is anther, this is filament. This is stigma, style, ovary and ovule. And this is the image of pistil, reproductive parts of the plant. Male and female unisexual flowers may be present in the same plant or in different parts. Could you identify the another and filament of a stamen? Another contains pollen grains which produce male gametes. Wo male gametes produce karte hai. Pistil consists of stigma, style and ovary. Ovary contains one or more ovules.
द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल जो है वो गैमेट फ्यूज करते हैं, जिसे हम जायगोट कहते हैं. नाउ द पोलिनेशन टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न द पोलिनेशन टॉपिक इन आर नेक्स्ट सेशन. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड टिल आवर नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ जॉयफुल डे, हैव अ वंडरफुल डे.